गांधी पार्क में डॉल्फिन कंपनी के आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों की बिगड़ी हालत। डॉल्फिन कंपनी के कर्मचारियों का कई हफ्तों से रुद्रपुर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका आरोप है कि डॉल्फिन कंपनी के मालिक उन्हें कंपनी बेस से हटाकर उन्हें धीरे धीरे नौकरी से निकाल रहे हैं। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस की सैलरी दी जा रही है और बोनस भी नहीं दिया जा रहा। निकल गए कर्मचारी की मांग है कि उन्हें कंपनी की तरफ से रखा जाए और उन्हें PF ESI बोनस सुविधा प्रदान की जाए। आज उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा, जिलाध्यक्ष किरण विश्वास पांडे और महानगर अध्यक्ष सतपाल ठुकराल ने गांधी पार्क में मजदूरों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने मजदूरों को पूर्ण आश्वासन दिलाया कि जब तक आमरण अनशन पर बैठे डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ समर्थन में हमेशा आगे खड़े रहेंगे। मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से महिला मोर्चा की, और इनके साथ मैं व्यक्तिगत शुरू से भी जुड़ी हुई हूँ। और कल हमारी जो वार्ता हुई थी ADM महोदय और DLC महोदय के द्वारा, ये समझौता इनका 26 तारीख का मान्य कराया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि सुबह से इनकी आज ड्यूटी लग जाएगी और किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 9-10 बजे इनका आमरण अनशन भी तोड़ दिया जाएगा। परंतु अब ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने ही लिखित उससे मुकर गए हैं, अपने ही लिखित वादों से, अपने ही लिखित समझौते से मुकर गए हैं। हम ये शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कंपनी मैनेजमेंट अब शासन प्रशासन चलाएगा या शासन प्रशासन कंपनी मैनेजमेंट को चलाएगा? इनकी बिगड़ती हुई हालत का साफ साफ जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन है। कल पूरा स्वास्थ्य महकमा, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई थी ये कहकर कि इनकी स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इनकी हालत गंभीर है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। परंतु अब जब एक दिन और शासन प्रशासन द्वारा इनका आमरण अनशन बढ़ा दिया गया है, तो साफ तौर पे जाहिर है कि इनके साथ कुछ भी अब अनहोनी होती है तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। देखिए, डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई थी और उन्होंने लेटर भी इशू कर दिए थे और हमें भी कह दिया था कि आप लोग जो है सुबह इनको कंपनी में भेज दीजिएगा। तो 50% आदमियों को हमने नाम लेकर के और उनको भेजा था और कुछ लोग गए थे तो वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी थी, उनके बाउंसर वगैरह खड़े थे, तो ये मजदूर आदमी है डर गए। और दूसरा, फिर उसके बाद हम लोग जो है ADM के पास आज मिलने गए थे तो ADM साहब हमें मिले नहीं, तो उन्होंने यही कहा कि 4 बजे हमने मीटिंग रखी है, उस मीटिंग के बाद जो निर्णय होगा तो वो लागू होगा। तो उसके बाद में फिर हम अपना कमिश्नर जी के पास गए थे, DLC कमिश्नर के पास, तो उन्होंने वार्ता हमसे की और उन्होंने हमसे कहा कि 4 बजे जो बैठक होनी है और संयुक्त बैठक है उसमें आप लोग भी शामिल होइएगा और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा तो उसी के हिसाब से इनको आगे ऑर्डर मिलेगा, फैक्ट्री में अंदर जाना है या कुछ और भी जो भी उनको संदेश देना है वो 4 बजे देंगे। वो ये जो स्वास्थ्य में इनकी हालत बिगड़ रही है, सरासर प्रशासन जिम्मेवार है, फैक्ट्री जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है फिर भी आंखें मूंदे हुए हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का या इनके ऊपर दबाव है या क्या है, कुछ गोलमोल कहानी है हमें समझ नहीं आ रही है। या तो इन्होंने इनसे बेट भर के खा लिया है और जो ना मुंह से निकाल पा रहे हैं ना अंदर ले जा पा रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं लोचा है।